हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 34 को नैरेट करेंगे। पर एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में 3 या 4 एपिसोड अपलोड करूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं एक ही दिन में 3 एपिसोड ला पाऊँ। पर मैं 3-4 एपिसोड क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके लाना नहीं चाहता, क्योंकि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होती है, एटलीस्ट मेरा मानना तो यह है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्वालिटी को मेंटेन करके 3 एपिसोड लाने की, पर मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं 3 एपिसोड ला ही पाऊंगा। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलो अभी नैरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिहुआ कहता है, कैडेट नंबर 7 जियोन, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें येलो नेमटेक वापस करना होगा और 5 दिन के एम्प्टी चैम्बर ट्रेनिंग को फेस करना होगा जो कि डिटेंशन सेंटर में है। जियोन यह सुनकर शॉक होता है और पूछता है, क्या मुझे एकेडमी से निकाला नहीं जा रहा? लिहुआ कहता है, एकेडमी से निकालना यह नॉनसेंस है। डीमनिक एकेडमी में तुम्हें बस तभी निकाला जाएगा अगर तुम एक टेस्ट में फेल हो जाते हो या फिर तुमने किसी का मर्डर कर दिया है टेस्ट या फिर ड्यूल के बाहर। जियोन यह सुनकर बहुत ही खुश हो रहा था, फाइनली मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो से बच गया। लिहुआ कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इतना खुश नहीं होता। जियोन यह सुनकर सोचने लगता है, शायद वो सही कह रहे हैं, मतलब मैं ग्रुप लीडर के पोजीशन से भी हाथ खो बैठूंगा। अगर मैं डिटेंशन सेंटर में 5 दिन तक लॉक रहा तो मेरे पास बस एक ही दिन ही बचेगा नेमटेक को रिक्लेम करने के लिए, पर क्या उतने समय तक किसी इंस्ट्रक्टर के पास नेमटेक अवेलेबल भी होगा? लिहुआ सोच रहा था, रूल्स के हिसाब से उसे 7 दिनों तक बंद रहना होगा, पर इसकी वजह से उसके पास से हर चांस चला जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें स्मॉल अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। लिहुआ फिर थोड़ा जोश में आ जाता है और ये देख जो सोच रहा था, ये इनक्रेडिबल हो रहा, मैं तो उनके पावर के खिलाफ खड़ा भी नहीं हो सकता। लिहुआ फिर कहता है, क्यों ना हम तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को लेकर डिस्कस करें, पर एक डायरेक्टर के तौर पे नहीं, डिमनिक कल्ट के सनबे के तौर पे। सनबे टीचर के समान ही होता है, किसी भी स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन में उन्हें सनबे कहा जाता है जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। लिहुआ फिर कहता है, मैंने मेरी ओरा की मदद से जगह को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ अगर वो लीक हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। जियोन, मैं तुम्हें लेकर बहुत ही आशावादी हूँ, पर फिर भी तुमने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कर दी, मैं तुम्हारे काम से बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जियोन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लिहुआ कहता है, क्या तुम माफ़ी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें गड़बड़ी तो कर सकते हो पर उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें लगा जोंगसुम का कोई कनेक्शन है तुम्हारे मदर के मर्डर के पीछे, क्योंकि तुम्हें उसके पास से माइक्रो पॉइजन मिला और इसलिए तुमने उसके डेंटियन को डिस्ट्रॉय कर दिया बदले के तौर पर, पर फिर तुम्हें चिंता होने लगी कि वो मर भी सकता है, इसलिए तुम उसे इन्फर्मरी लेकर चले आए, क्योंकि तुम एकेडमी से एक्सपेल होना नहीं चाह रहे थे। अगर तुम कोई काम करने जा रहे हो तो सब प्रॉपरली करो। बेवकूफों की तरह आखिर तुमने किसी को जिंदा क्यों छोड़ा जो कि तुम्हारे ऊपर बाद में बदला लेगा? अगर तुम ऐसे ही ढीले काम करते रहोगे तो तुम्हें जल्दी डेथ नसीब हो जाएगी। तुमने जो ये सब किया है इस वजह से तुम एक टारगेट बन गए हो, पर अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें इमोरल, इलीगल और हार्मफुल काम करना होगा। तुम्हें बस दूसरों से एक कदम आगे नहीं 3-4 कदम आगे की सोच के रखनी पड़ेगी। जॉन कहता है, मैं समझ गया, और वो सोचने लगता है, डॉक्टर म्यूंग ने भी मुझे कुछ ऐसी एडवाइस दी थी, पर उनकी बातों से लग रहा था कि वो मुझे डांट रहे हैं, पर डायरेक्टर मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर मैंने कहां पर क्या क्या गलती करी। लिहुआ फिर कहता है, आखिर तुमने किस वजह से एकेडमी को ज्वाइन करी है? जियोन कहता है, क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूं। लिहुआ कहता है, क्या गुस्सा और बदला तुम्हारा कारण है जो कि तुम में आग भड़काता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? पहली बात तो तुम एक प्रिंस कैंडिडेट हो, एंड एज ए प्रिंस कैंडिडेट क्या तुम चाहते हो तुम्हारे गुस्सा और बदला डिसाइड करेंगे सब कुछ जब तक तुम गोल तक नहीं पहुंच जाते? तुम्हारे करंट इमोशंस बस एक पेड़ को नहीं पूरे जंगल को जला के रख देंगे, और आखिर में तुम भी एक खाकी बन चुके होगे। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जियोन कहता है, लगता है मैं समझ गया। लिहुआ कहता है, क्या मतलब मुझे लगता है? तुम बहुत ही लकी होगे अगर तुम्हारी और तुम्हारे आसपास के लोगों की जान बच जाती है और उनकी कोई ट्रेजिक एंड नहीं होती। जियोन, अगर तुम सच में सबसे आगे जाकर कल्ट का फ्यूचर बनना चाहते हो तो तुम्हारा दिल हमेशा ही गर्म होना चाहिए पर तुम्हारा दिमाग हमेशा ही ठंडा। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा बदला पूरा होने से पहले तुम मर के खाक बन चुके होगे। जो सोच रहा था डायरेक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ बदले के बारे में सोच रहा था। ऐसा करके मैं 6 क्लास को तो खत्म कर दूंगा, पर उसके बाद क्या? रिवेंज मेरे जर्नी का एक पहलू हो सकता है पर मेरे जर्नी का अंत नहीं। मैं भी सिर्फ एक ही चीज को लेकर करता हूँ और वह है रेशनैलिटी यानी चेतना। लिहुआ सोच रहा था, वो उतना स्टूपिड नहीं है जो कि ये बातें समझ नहीं पाएगा। अगर वो खुद के कमी को समझ के खुद को बेहतर कर पाया तो हेवनली डिमन कल्ट का सबसे ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर जन्म ले लेगा और उसके फाउंडेशन मेरी ग्रेट एडवाइस बनेगी ना कि उस बेवड़े की। जियोन फिर नेमटेक छोड़ देता है और कहता है, थैंक यू डायरेक्टर, मैं आपके एडवाइस को ध्यान में रखूंगा। लिहुआ फिर कहता है, कैडेट नंबर 7 को डिटेंशन सेंटर में ले जाओ।
जियोन कहता है, डायरेक्टर क्या मैं डिटेंशन सेंटर में जाने से पहले आप मुझे 1 सेकंड दे सकते हैं? लिहुआ कहता है कि नहीं। जियोन कहता है, एटलीस्ट मुझे मेरे ग्रुप मेंबर्स को ये सब एक्सप्लेन करने दीजिए। लिहुआ कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट पब्लिकली अनाउंस करी जाएगी और मुझे लगता है कि तुम कहना चाह रहे हो तुम्हारे फॉर्मर ग्रुप मेंबर, वो सभी अभी एक नॉर्मल कैडेट्स हैं। जियोन सोच रहा था तो वो मुझे सिखाना चाहते हैं आखिर मेरे बेवकूफ़ी का अंजाम क्या क्या हो सकता है। उसके बाद जियोन के पनिशमेंट बड़े नोटिस बोर्ड में लिख दी जाती है, जो पढ़कर कैडेट सोच रहे थे, वो लड़का तो हमने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा डरावना है। मुझे लगा था वो बस ताकतवर है पर वो तक साइको निकला। कुछ कैडेट्स वहीं पर जोंगसुंग की भी बातें कर रहे थे। सभी को लग रहा है एकेडमी से निकलते जियोन को मार दिया जाएगा पॉइजन क्लान के द्वारा, पर कोई कोई कह रहा है एकेडमी के अंदर उसे असैसिनेट कर दिया जाएगा। पर एक खबर पढ़कर युजन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वो लड़का भी एक नंबर का पागल है, आखिर उसके पास ये आइडिया आया कहाँ से किसके डांटियन को डिस्ट्रॉय करने का। युजन सोच रहा था, मुझे चिंता हो रही थी कि मुझे 3-way राइवलरी को फेस करनी पड़ेगी, पर मुझे लगता है ये इशू सॉल्व हो गई क्योंकि उसने तो खुद ही को इक्वेशन से निकाल दिया है। वहीं पर स्वॉर्ड क्लान का किंग वन मनी मन खुश हो रहा था। फिर हमें जंगल में जियोन के ग्रुप को दिखाया जाता है। गोवांग सोच रहा था, जैसा कि होना था सभी अभी शौक में है, पर हमारे आगे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब हमारे लॉर्ड वापस आएंगे उनके पास बस एक ही दिन ही बचेगा, और क्या तभी कोई नेमटेक बचा भी होगा लेने के लिए? शायद उन्हें नेमटेक किसी इंस्ट्रक्टर के बदले किसी ग्रुप के लीडर से लेना होगा। तभी उनके पास बाइक आता है और सीन कट होता है नेक्स्ट डे रात को 10 बजे। हम जियोन को डिटेंशन सेंटर में प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। ट्रेनिंग करते हुए उसे काफ़ी भूख लग गई थी और वो खाते हुए कह रहा था, मुझे और 4 दिन ये बासी खाना खाना पड़ेगा और ये जगह बहुत ही ह्यूमिड और स्टफी है, एक एवरेज कैडेट तो यहाँ पर एक दिन भी जी नहीं पाएगा। ये एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी से छोटा है, पर अच्छी बात है कि यहाँ पर मुझे कोई भी देख नहीं रहा और इन 5 दिनों में मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी अचानक से चैम्बर के डोर खुलने लगती है, जो देख जो सोच रहा था ये तो डोर खोलने का समय नहीं है, और ये इंसान आखिर कौन है जिसके पास मुझे मारने की के लिए इंटरनेट में सेंस कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि ये कोई बूढ़ा आदमी है और वो कहता है, तो तुम ही हो जियोन। फिर सीन कट होता है पिछले दिन रात को पॉइजन क्लान के मैनर में। क्या ये मेरा नेफियो जोंगसुम है? जल्द इसके बारे में चिपटेन को रिपोर्ट करो। और ये आदमी चिपटेन का सेकंड सन बाइक मूनवोंग है, जोंगसुम का अंकल। इस इशू को लेकर चिपटेन एक मीटिंग करते हैं जिसमें एक आदमी कहता है, आप इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमें उसका डिमोनिक एकेडमी से बाहर आने का इंतजार करना नहीं चाहिए। दूसरा आदमी कहता, हमें कासासिन को भेजना चाहिए जो कि हम नॉक्सस क्लान से हायर कर सकते हैं, या फिर हम किसी इंस्ट्रक्टर को पैसे खिलवा कर उसे मरवा सकते हैं। तीसरा आदमी कहता, क्यों ना हम उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मरवा दें। चिफ्टन बाई को कहते हैं, फालतू आइडियाज देना बंद करो, क्या तुम भूल गए हो 6 साल पहले लेडी हुआ के डेथ की वजह से क्या क्या हुआ था? मुनुओं कहता है, अगर हमने अभी कुछ नहीं करा तो हमारी इज्जत माटी में मिल जाएगी। बाई को कहते हैं, बेवकूफ मत बनो, अगर ऐसा होता तो साउंड क्लान भी कब का कुछ कर चुका होता। लेडी लुआ के इंसिडेंट के बाद से लॉर्ड को जो भी एक्सक्यूज मिलता है उसे क्लान के पावर को और कम कर देते हैं। एक कैडेट को एकेडमी के अंदर ही मारना उन्हें एक और बड़ा रीजन दे देगा हमारे पावर को कम करने का। मुनुओ कहता, तो क्या हम उसे एकेडमी से बाहर आने तक इंतजार करेंगे? यह भी हो सकता है कि वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाई को कहते हैं, मुझे लेफ्ट गार्डियन के साथ पर्सनली बात करनी पड़ेगी। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बाई को टेलीकनेसिस की मदद से जियोन को पकड़े हुए थे। जियोन सोच रहा था, इवन मेरे 10-star की मदद से भी मैं उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, उनकी स्किल्स मेरे सोच से भी बहुत ज़्यादा है और उनके किलिंग इंटेंट दुश्मनी से आ रही है। मुझे पता नहीं आखिर उनके जैसा ताकतवर यहाँ पर डिटेंशन सेंटर में क्यों आए हैं, पर वो डेफिनेटली मेरी तरफ तो नहीं है। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं मारा जाऊँगा। और जियोन अपने पावर की मदद से काउंटर करने की कोशिश करता है। ये क्या, यह बच्चा वही सब बस अपने स्ट्रेंथ से ही रेजिस्ट कर रहा है? कोई ऐसा जिसके पास इतने पावरफुल वेगोंग है? मुझे अभी यह करना ही पड़ेगा। और वह जियोन का गला दबाने लगते हैं। जियोन जल्दी से सेंस करके इमरजेंसी डिफेंस मोड को एक्टिव करने जा रहा था, पर जियोन कहता है, नहीं नैनो, अभी रुको, हमें ध्यान से काम करना होगा। अगर हम बिना कुछ सोचे समझे रिटेलिएट करते रहे तो शायद बस मैं ही इंजर्ड होता रहूंगा। मैं श्योर उनके पास कोई तो रीजन होगा यहाँ पर आने का, तो तभी तक थोड़ा रुके रहो नैनो। बाइको फिर कहते हैं, तो मेरे खिलाफ रिटेलिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे? मुझे लगता है तुम एक क्विक थिंकर हो, है ना? मैं उसका चेहरा देखना चाह रहा था जिसने मेरे पोते को चोट पहुंचाई है, पर तुम्हें देखकर तुम काफ़ी यूजफुल लग रहे हो। जियोन सोचने लगता है, पोता, क्या उनका मतलब जोंगसुम से है? क्या यही पॉइजन क्लान का चिफ्टन बाइको है? बाइको कहता है, मैं श्योर हूँ तुम्हें पता होगा आखिर यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे पास क्यों आया है। जियोन सोचने लगता है, क्या वो यहाँ पर मुझे मारने आए हैं? अभी मैं इसे कैसे निकलूंगा? बस थोड़े से फोर्स से ही वो मेरा गला मरोड़कर मुझे मार सकते हैं। क्या मैं ऐसे यहाँ पर मर जाऊँगा जबकि मैंने अभी तक अपना बदला लिया ही नहीं है? बाइको सोच रहे थे, ये क्या, वो तो बस 15 साल का है,
जबकि उसे पता है वो मरने वाला है। उसे नीचे झुक जाना चाहिए था, पर वो मेरे आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर एक जोर से हमला करते हैं, जिसे कि चियोन जाकर दीवार से टकराता है और फिर बाइक उसे फिर से टेलीकाइनेसिस की मदद से पकड़ लेते हैं। शायद इससे उसका एरोगेंस खत्म हो गया होगा। पर बाइक को देखते हैं कि चियोन अभी भी उनके आंखों में आंखें डालकर ही देख रहा है, जो देखकर बाइक को शौक होते हैं और सोच रहे थे मुझे पता है उसके अंदर कितने हेट्रेड है, जिसकी वजह से उसने जोंगसुंग के डेंटियन को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर यह कुछ ज्यादा ही था, अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो आगे जाकर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चियोन कहता है कि आप मुझे यहाँ पर मार के कल के रूस को तोड़ना चाहते हैं। बाइको कहते हैं तुम इस बूढ़े आदमी को धमका रहे हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हारे बॉडी को एसिड से अलग अलग कर देता हूँ तो क्या कभी किसी को इसके बारे में पता भी चलेगा। चियोन कहता है शायद आप सारे सबूतों को मिटा सकते हैं, पर अगर मैं डिमोनिक अकेडमी से गायब हो जाता हूँ तो पॉइजन क्लान के ऊपर सबसे पहले शक जाएगा। बाइको सोच रहे थे मास्टर स्किल्स और रैशनल थिंकिंग उसके पास दोनों ही है और वो बहुत ज्यादा है, और एक जीने और मरने की परिस्थिति में ना डर के सामना करना, अगर वो और बड़ा हो जाता है तो कुछ भी कर जाएगा। अगर ये डिमोनिक अकेडमी नहीं होता तो मैं उसे एक झटके में यहाँ पर मार देता। बाइको फिर कहते हैं तुम स्मार्ट हो, पर तुमने मेरे पोते पर हमला करके खुद को टारगेट बना लिया है, और जैसे तुमने कहा मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम जिस वक्त डिमोनिक कर्ज से बाहर निकलोगे मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। मैं तुम्हारे शरीर की हड्डी को तोड़ दूंगा, तुम्हारे जिंदा रहते तुम्हारे शरीर के खाल को निकालकर जानवर को खिला दूंगा, और फिर तुम्हारे डांटियन को डिस्ट्रॉय करूंगा, और तुम्हें तब तक टॉर्चर करता रहूंगा जब तक तुम्हारी आंखें सांसें बंद नहीं हो जाती। तुम कितनी जान की भी क्यों ना मांग लो मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूंगा। चियोन सोच रहा था ऐसे किलिंग इंटेंट। बाइको फिर साउंड टेलीपैथी की मदद से कहते हैं अगर मैं तुम्हें बिना कुछ करे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये काफी शर्म की बात होगी, तो मुझे तुम्हें एक तोहफा तो देना ही होगा ताकि तुम इस बूढ़े आदमी से जल्दी से मिल पाओ। और वो उसे कुछ खिला देते हैं और कहते हैं यह कोई जानलेवा पॉइजन नहीं है, पर अगर तुमने इसके बारे में किसी को कही तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो आखिर में एक छोटा सा हमला करके चले जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि लिवा खड़े हुए हैं। मुझे लगा था कि हमने एक डील किया था। बाइको कहते हैं क्या तुम वार्निंग देने से पहले कुछ सोच नहीं सकते, तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ पा रहा हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। मैं अंदर मेरे गुस्से पर काबू नहीं कर पाया था, ये कुछ भी सीरियस नहीं जिससे कुछ इंटरनल इंजरी होगी, और तुम्हारा शुक्रिया इस बुढ़े आदमी की बात रखने के लिए। लिवा कहता है मुझे कठिन परिस्थिति में मत डालिए, मैंने बस आपकी रिक्वेस्ट रखी है क्योंकि आपने कसम खाई थी एकेडमी के 4 सालों में आप उसे परेशान नहीं करेंगे। बाइको कहते हैं चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और फिर बाइको वापस चले जाते हैं। और लिवा सोच रहा था तुम्हारे पास बस 4 साल ही है जब तक तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी, पर उसके बाद सब कुछ तुम्हारे ऊपर है तुम सर्वाइव करते हो या नहीं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मिनरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।